जिस फनकारों को बुलाने लगा हूं। मैं तो क्या, जब मैं उन्हें बुलाऊंगा तो आप भी ये सोचेंगे कि वाकई में वो इस बात की मुस्तहिक हैं कि उन्हें जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। हमारे पाकिस्तान का एक सरमाया है, ये समझ लीजिए अपनी ज़ात में वो एक खुद एक इदारा है। हम कहते हैं हमारे पास इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ से हम सीखें। मैं नई आने वाली लड़कियों को कहता हूँ कि हमारे पास वो इंस्टीट्यूट है, वो इदारा है, वो तरबियतगाह है जहाँ से वो सीख सकती हैं। मेरी मुराद उस फनकारा से है। मैं चाहूँगा, ये मेरे दिली जज्बात हैं, पता नहीं आप मुझसे मुत्तफिक हो ना हो, लेकिन मेरा हमेशा दिल चाहा है कि वो जहाँ भी जाएँ लोग उनका इस्तकबाल खड़े होके करें, क्योंकि वो वाकई उन्होंने इतना अच्छा काम किया। आपकी भरपूर तालियों में मैं सहमत दूंगा फिल्म स्टार बाबरा शरीफ। आप सबका बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से आपने मुझे वेलकम किया है उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और ये साल सबके लिए, आप सबके लिए जो देख रहे हैं टीवी उनके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, जो नहीं देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हाँ उनके लिए भी खुशियाँ लेकर आए, और उम्र के लिए भी बहुत सारी खुशियाँ लेकर। मेरी सबसे बड़ी खुशी है ये इस प्रोग्राम में आप तशरीफ ले आए, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आपने बहुत काम किया फिल्मों जी, आपको खुद जाती तौर पर कैसा लगा, कौन सी फिल्म आपको बहुत अच्छी लगी? आपकी तो बड़ी अच्छी अच्छी फिल्म है, मुझे तो हर फिल्म आपकी याद है। मैं आपसे काफ़ी बातें करती हूँ, और जब हम लोग काम इकट्ठे करते थे तो हमने बहुत सारी बातें की हुई हैं। असल में होता ये है कि इंसान हमेशा सीखता रहता है, जैसे कि लेकिन मुझे कोई भी अपनी फिल्म ऐसी कोई पसंद नहीं आई जिसमें मैं कह सकूं कि मैंने पूरी फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है। मुझे अपनी कोई ऐसी फिल्म, जैसे कि सलाखें कह लें, या एक फिल्म थी आग, या मेहरबानी, या और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें अपना कोई सीन पसंद आ जाता है, या अपनी कोई छोटा सा जेस्चर पसंद आ जाता है, लेकिन मैं अपनी खुद से अपनी बहुत ज़्यादा क्रिटिक हूँ। मैं अपने आप को देखती हूँ और मेरा एक ही एक्शन होता है कि ओह मैंने ये क्या किया। लेकिन आपका होता है ना, आपको नहीं पता, लोगों से पूछे उनकी तालियां बताएंगी उन्होंने आपको कैसा कैसा। ये तो आपके आपके अंदर एक एक ऐसी फनकारा है जिसका कोई अंत नहीं है। आप कहाँ जाना चाहती हैं कि जहाँ पर जाके फनकार जो है ना वो अमर हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता वो खुद क्या कर रहे हैं। प्लीज़ आप इतनी मेरी तारीफ ना करें और इतना मुझे सर ना चढ़ाएं, मैं ऐसी कोई बात नहीं है, और वाकई कोई बात नहीं है। कितने हीरोज के साथ आपने काम किया? जी बहुत सारे हीरोज, ये ऐसी पब्लिक की उसके लिए पूछ रहा हूँ मैं सवाल, कितने हीरोज के साथ आपने काम किया, या आपको कौन सा हीरो सबसे अच्छा लगा परफॉर्मर? नदीम साहब। अच्छा, आपने मोहम्मद अली साहब के साथ भी काम किया? जी हाँ, ऐसे हीरोइन काम किया उनके साथ? नहीं, उनके साथ कोई ऐसी ऐसी हीरोइन नहीं आई आप? नहीं, कैसे आ सकती वो तो क्यों? नहीं नहीं, वो तो उस वक्त भी जब हम लोग उनकी फिल्में देखा करते थे तो इंसाफ और कानून उनकी एक फिल्म थी जिसमें वो दादा का रोल कर रहे थे, और बहुत अच्छा अच्छा। तो आप उनके साथ हीरोइन नहीं आई? नहीं, नदीम के साथ आए। जी, नदीम साहब ने बड़ा अच्छा आपके साथ काम किया। अच्छा, आप उनके साथ गुलाम मोहिद्दीन के साथ भी हीरोइन है? जी हाँ, पहली पहली फिल्म तो वही थी आपकी जो कैंसर पे बनी थी बाबरा। अब आपको एक और आपकी जो सबसे बड़ी बात जो इस वक्त जरूरत भी थी इंडस्ट्री को, और वो है आपका दोबारा से आना फिल्म इंडस्ट्री में। तो आप ये फिल्म आप बना रही हैं, बन रही है, इसकी डायरेक्टर हैं संगीता जी, और फिल्म है समाज जी। तो इसमें आप जो आई हैं, ये आप क्या रोल कर रही हैं इसमें? इतने अरसे बाद आपने बड़े सोच समझ के फिल्म साइन की होगी। इतना सोचा नहीं था, लेकिन पता नहीं, जो प्यार है मुझे बहुत, मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि जो लोग मुझे इंडस्ट्री वाले भी जो प्यार देते हैं, और हमेशा पूछते रहते थे कि ये रोल है आप करेंगी, और हर फिल्म के लिए, काफ़ी फिल्मों के लिए ऑफर होती थी। तो मैंने सोचा कि हमेशा से ऐसे नहीं करना चाहिए कि अच्छा, डायरेक्टर्स के साथ आपने बेशुमार डायरेक्टर्स के साथ काम किया जी। डायरेक्टर कौन से सबसे अच्छे लगे आपको?
डायरेक्टर्स बहुत अच्छे, नजरुल इस्लाम साहब, हसन अस्करी साहब, शमीम आरा बेगम और बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ। आप पर भी बड़े बड़े मशहूर गाने हुए हैं, तो ये समाज में भी कोई ऐसा कैरेक्टर है आपका जिसमें गाने भी हैं और आपका रोल भी ऐसा है जो आपके कैलिबर के मुताबिक है? जी हाँ, इसमें गाने भी हैं और फर्स्ट हाफ में गाने हैं। गाना गुनगुना भी लेती हैं या सिर्फ सुनती हैं? प्लीज ना, ये जो इतनी तालियां आपने इनसे बजवाई हैं मेरे लिए ये बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर मैंने जरा सा गुनगुना। ना 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 ना, ना, ना हल्का सा क्या, कोई भी चीज गुनगुना दे, कोई भी चीज जो मेरे पे पिक्चराइज हुए अभी, वो उसका बोल है नहीं को अल्लाह मालिक को ऐसे अल्लाह इज्जत रखना। दूरियां मजबूरियां मिटा दे ना कर दे करार। समाज फिल्म के लिए इस गीत को गाया है सायरा नसीम और एक और बड़ी हसीन आवाज जो हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक खूबसूरत इजाफा है। मैं चाहूंगा उनकी हौसला अफजाई के लिए बहुत सी ढेर सारी तालियां बजाइएगा। सायरा नसीम के साथ इस गीत का साथ देने के लिए तशरीफ लाएंगे अमीर अली।